हेलो गाइस, दिस इज़ प्रशांत फ्रॉम द टेक वर्क। तो अगर जून 2024 में आपका बजट काफ़ी टाइट है और आप एक फ़ोन परचेज करना चाह रहे हैं 10,000 के अंदर, तो मैं आपको काफ़ी डिसेंट ऑप्शंस बताने वाला हूं। और 10,000 में अब 4G फ़ोन लेने का कोई सेंस नहीं बनता, ये अलग बात है। अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 7,000-8,000 के आसपास हो तो अनफॉर्चुनेटली आपको 4G फ़ोन से ही रेस्ट्रिक्टेड होना पड़ता है। हाँ, अगर आप समहाउ किसी कार्ड ऑफर के साथ में 8,000 के आसपास ला सके तो अलग बात है, अदरवाइज 9,000 एटलीस्ट आपको 5G फ़ोन के लिए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन मैं वो फ़ोन इस लिस्ट मैं इंक्लूड नहीं करने वाला हूं जो कार्ड डिस्काउंट के बाद में आपको 10,000 में मिलते हैं। एंड बात करें तो देखिए, फोन सारे अच्छे होते हैं, बस उनकी प्राइसिंग डिसाइड करती है कि उनको बाय करना वर्थ है या नहीं। एंड कुछ फोन ऐसे भी हैं जो कि 10,000 के अंदर लॉन्च हुए थे लेकिन बाद में उनकी प्राइस इंक्रीज हो गई है। इस बात का एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। एंड इसी वजह से हमारे जो फोन के ऑप्शन है 10,000 के अंदर, वो थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं। अब सबसे पहले फोन की बात करें तो देखिए, 10,000 की कैटेगरी में ये ऑब्वियस था और आप आगे की वीडियो ना देखें जाए, ये सबसे परफेक्ट फोन लगता है मुझे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोको M6 Pro की। 10,000 के अंदर ये एकमात्र फोन है जो आपको फुल HD+ की डिस्प्ले देता है और 90Hz का रिफ्रेश रेट और स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 आपके डे टू डे टास्क है उनको हैंडल करने के लिए इनफ है। बाकी इस फोन के कैमरास भी अच्छे हैं अगर हम 10,000 के अंदर के सेगमेंट की बात करें तो। एंड यस, 5G फोन, 4G फोन की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है और 18W की चार्जिंग भी। हाँ, आपको बॉक्स में 22.5W का चार्जर मिलता है, तो आप कहीं और यूज लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एंड्रॉइड 13 के साथ लॉन्च हुआ था और आपको इसमें एंड्रॉइड 15 तक का अपडेट भी मिलेगा। अभी इस फोन की प्राइसिंग की बात करें तो इसका 4128 9,500 में देखने को मिल जाता है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा ₹500 और खर्च करके इसका 6128 वेरिएंट ले लें। इंसेंट वैल्यू फॉर मनी और लॉन्ग टर्म के लिए सर्व करने वाला फोन बन जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि पोको M6 Pro 10,000 की कैटेगरी में बेस्ट है, लेकिन अगर किसी वजह से आप 9,000 से ऊपर नहीं जा सकते, स्ट्रिक्टली 9,000 के बजट में है, तो मैं आपको पोको M6 रिकमेंड करूंगा। 90Hz की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, डायमेंसिटी 6100+ जो कि इस बजट में थोड़ा सा रेयर हो जाता है, 50MP का बैक कैमरा और 5MP की सेल्फी। अब यहाँ पे 5000mAh की बैटरी दी है और 18W की चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि इसके बॉक्स में आपको सिर्फ 10W का चार्जर देखने को मिलता है। हाँ, ये अलग बात है कि आपके पास ऑलरेडी घर में ये चार्जर हो तो आप अपना पैसा बचा सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं बताऊंगा पोको M6 Pro इज द बेस्ट। सो अब इस फोन की बात करें तो इसका 4128 वेरिएंट 9,000 में देखने को मिल जाता है, लेकिन जैसे ही 6128 वेरिएंट की तरफ आते हैं वो 10,000 का देखने को मिलता है। तो 10,000 में तो फिर पोको M6 Pro बेस्ट डील है। अब बात करें तो अगर हम पोको M6 को एक साइड करके और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा लावा 5G। आई नो ये लॉन्च हुए काफी टाइम हो गया है, 9700 देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल ये प्रोसेसर प्लेंटी ऑफ पावरफुल है। 3.5 लाख से ऊपर तक का आपको एंटीटू स्कोर देखने को मिलता है और कैमरा वाइज भी डिसेंट है, 50MP का बैक कैमरा और 8MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी और 10W का चार्जर। लेकिन यहाँ पे अब ये भी नहीं बताया कि 18W की चार्जिंग ये सपोर्ट करता है कि नहीं, सो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। लेकिन अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 9,000 रुपए है तो इस फोन का 4128 वेरिएंट 9,000 में देखने को मिलता है। लेकिन आप देखेंगे इसमें तो पोको M6 भी मिल जाता है जिसमें हम अलग चार्जर यूज कर सकते हैं 18W तक का, लेकिन इसमें सिर्फ आप ₹100 ऐड करते हैं तो 9,100 रुपए में आपको इसका 6128 वेरिएंट देखने को मिल जाता है। एंड दैट इज व्हाई 9,100 रुपए में ये अनबीटेबल डील बन जाता है। अब आगे वाले जो फोन बता रहा हूँ वो आपको इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए। नेक्स्ट फोन है नोकिया का G42 5G, HD+ की 90Hz डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 480+ देखने को मिल जाता है। अगर आपको याद होगा कि मोटोरोला का G51 2021 में जो लॉन्च हुआ था उसमें आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलता था, काफी डिसेंट प्रोसेसर है, मोस्ट पावरफुल तो नहीं कहूंगा 10,000 में, 50MP का बैक कैमरा और 8MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी और 20W की चार्जिंग। ये फोन एंड्रॉइड 13 पे लॉन्च हुआ था और आपको इसमें एंड्रॉइड 50 तक मिलेगा। अब इस फोन की बात करें तो इसका 4128 वेरिएंट 10,000 में देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा अगर आपके पास कार्ड अगर somehow मैनेज कर सकते हैं और इसकी प्राइस को नीचे लाते हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा। एंड अब चलिए अगले फोन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले बता दूं जैसा मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि कुछ फोन लॉन्च तो 10,000 में होते हैं लेकिन बाद में कॉस्टली हो जाते हैं, उनकी बात करूं तो सबसे पहला है Itel का P55 5G। ये फोन ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ही अच्छी प्राइसिंग पे लॉन्च हुआ था, बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस पे, डायमेंसिटी 6080 देखने को मिल जाता है, 5000mAh बैटरी, 18W की चार्जिंग और यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है जो कि अनयूजुअल है। हाँ, एंड्रॉइड अपडेट के रिगार्डिंग इनका कोई अनाउंसमेंट नहीं है। एंड अब इस फोन की बात करें तो कंज्यूमर्स का
फीडबैक अभी तक इस फोन को लेकर काफी अच्छा है, कैमरा वाइज डिसेंट है। हाँ, स्पीकर क्वालिटी के लिए थोड़ा सा लोग कंप्लेंट करते हैं कि इतना लाउडर फील नहीं होते। इसी तरीके से लॉन्च 10,000 में होना और बाद में इंक्रीज होना, एक और फोन है लावा का Blaze 2 5G, काफी अच्छी डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ था। ओवरऑल काफी गुड फोन है, लेकिन अब कॉम्पिटिशन को देखते हुए बात करें तो इसका 464 वेरियंट 10,500 में देखने को मिलता है और 6120 वेरियंट 11,500 में। और बात करें तो फिर उस प्राइस में और भी कॉम्पिटिटर एड हो जाते हैं। पहले एक फोन को अच्छे प्राइस में लॉन्च करना, फिर उसके प्राइस इंक्रीज कर देना, दैट इज नॉट ए गुड थिंग और ब्रांड्स को नहीं करना चाहिए। स्पेशली लावा को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनको अभी मार्केट में अपने पैर जमाने हैं। ऑल्सो यहाँ पे एक और फोन मेंशन करना चाहूंगा, सैमसंग गैलेक्सी F14। इस फोन का 4128 वेरियंट 9,000 में और 6128 वेरियंट 9,500 में मिल रहा था। हाँ, ये अलग बात है कि आपको 1200 रुपए लगा के अलग से चार्जर लेना पड़ता है, लेकिन बहुत ही इनसेन प्राइसिंग पे मिल रहा था। लेकिन अब जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, 11,500 में 4128 वेरियंट और 12,500 में 6128 वेरियंट। आई मीन इट्स इनसेन यार, इतना प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन काफी मिसलीडिंग हो जाता है, फिर ये चाहे सेलर की तरफ से हो या ब्रांड की तरफ से। अब आप सोच रहे हैं कि 10,000 से जब ऊपर मिल रहा है तो ये फोन मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, वो इसलिए कि अभी 27 से 30 अप्रैल और 20 से 24 मई और 12 से 18 जून को ये जो कम प्राइस मैंने बताई थी 9,000 और 9,500 इस पे ये फोन मिल रहा था और फिर इंक्रीज हुई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसकी प्राइस फिर से नीचे आएगी। बहुत सारी प्राइस ट्रैकिंग की ऐप आती है, आप वो यूज कर सकते हैं जो कि एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग बताती है जब से वो लॉन्च हुआ था, कब इंक्रीज हुई कब डिक्रीज हुई। इनफैक्ट कुछ में तो ईमेल अलर्ट का ऑप्शन भी मिलता है। तो मेरा कहना यही है, इसके प्राइसिंग पे ध्यान देते रहिए। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, कीप ऑल आईज ऑन F14। सो वेल, ये सारे फोन थे जो कि आपको 10,000 में मिलते हैं, एंड इतने बताने के बाद में आपने डिसाइड भी कर लिया होगा कि आपको कौन सा फोन लेना है या फिर थोड़ा वेट करना है, स्पेशली F14 के केस में। यहाँ पे एक फोन और है, लावा का युवा 5G लॉन्च हुआ था जिसका 464 वेरियंट 10,000 में मिलता है, लेकिन अभी इस फोन के कोई खास रिव्यू कहीं ऑनलाइन कहीं यूट्यूब पे मुझे नहीं मिले, तो ऐसे में ये रिकमेंड करना मुझे सही नहीं लगा। हो सकता है कि अगले मंथ की जो 10,000 के अंदर के फोन की लिस्ट है उनमें ये फोन ऐड हो जाए। तो इसीलिए अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।